दोस्तों इसे क्या अक्षय कुमार की एक फिल्म की खबर खत्म होती नहीं है, क्या आ जाती है अक्षय की दूसरी फिल्म की खबर। ऐसे दोस्तों जैसे कि अब यहाँ अक्षय कुमार के नाम यहाँ पर एक और बड़ी फिल्म जुड़ती दिख रही है, और जैसे कि ये फिल्म है डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ, और ये होने वाली है एक जबरदस्त कॉमेडी और थ्रिल से भरी हुई फिल्म। यहाँ दोस्तों जैसे कि हाल ही में मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में यहाँ पर प्रियदर्शन कन्फर्म करते दिखे कि वो अक्षय कुमार के साथ एक बड़ी फिल्म लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और जैसे कि जहाँ इस फिल्म की शूटिंग 2020 में शुरू होने वाली थी, हालांकि जैसे कि अभी इस फिल्म को 2021 सितंबर में शूट किया जाएगा। और वहीं जैसे कि काफ़ी वक्त से खबरें आ रही है कि आप प्रियदर्शन जो कि लाने वाले हैं हेरा फेरी 3, लेकिन जैसे कि यहाँ पर प्रियदर्शन ने ये तो साफ कर दिया कि अक्षय कुमार के साथ आने वाली ये फिल्म हेरा फेरी 3 नहीं है, लेकिन जैसे कि ये भी रहने वाली है एक मज़ेदार कॉमेडी और थ्रिल से भरी हुई फिल्म जो कि हेरा फेरी 3 जितना ही मज़ा देगी। और इसमें प्रियदर्शन कहते दिखे कि वो अक्षय के साथ एक सीरियस फिल्म प्लान कर रहे थे, लेकिन क्योंकि सभी यहाँ इस जोड़ी के साथ एक कॉमेडी फिल्म की उम्मीद करेंगे, और इसलिए वो ला रहे हैं एक कॉमेडी से भरी हुई फिल्म। तो समझते हैं 2021 में अक्षय कुमार में प्रियदर्शन के साथ भी एक जबरदस्त फिल्म की शूटिंग करते दिखेंगे, और जैसे कि ये फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। लेकिन जैसे कि यहाँ फिलहाल तो अक्षय कुमार बैक टू बैक शूट में लगे हुए हैं, और वहीं जैसे कि यहाँ प्रियदर्शन की भी दो फिल्में यानी कि मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी और हंगामा 2 आने वाली है। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।